अपने ही स्कूल के छात्रों से प्रवेश परीक्षा लेकर स्कूल प्रबंधन की मनमानी को लेकर पालकों सहित छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, कोविड से पीड़ित परिवार की बच्ची को भी स्कूल में पढ़ाई करने से किया जा रहा वंचित। खुर्सीपार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया में हो रही अनियमितता और गलत लोगों को प्रवेश देने की शिकायत लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में पालक व छात्र छात्राएं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच अपनी शिकायत दर्ज कराए। इसी कड़ी में पालक व बच्चों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन प्रवेश परीक्षा के नाम पर धांधली करके अनेकों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है, जिसमें बाहर के बच्चों को प्रवेश देकर पहले से पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है और सरकारी योजना से लाभार्थी छात्र छात्राओं को भी इस स्कूल में पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। वहीं महतारी योजना के तहत कोविड-19 के दौर में अपने पिता को खो चुकी छात्रा ने भी अपनी दुविधा बयान की। उसने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत हमें स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिला, उसी को नजरअंदाज कर स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य की मनमर्जी से 83% आने के बावजूद भी सिर्फ अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने प्रवेश परीक्षा लेकर हमें स्कूल से बाहर किया गया है। वहीं शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि 10वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं दिया गया, जबकि जिस बच्चे का प्रवेश परीक्षा में विज्ञान विषय में 0 अंक आया है उस बच्चे को 11वीं में विज्ञान देने का निर्णय लिया गया और जिस बच्चे को प्रवेश परीक्षा में गणित में मात्र 2 अंक प्राप्त हुए हैं उनको 11वीं के लिए गणित विषय देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जब पालकों ने प्राचार्य से बात करनी चाहिए तो प्राचार्य ने उनसे दुर्व्यवहार किया और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत को लेकर आम पार्टी के बैनर तले छात्र छात्राओं ने पालकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ितों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे पापा का कोविड से डेथ हुआ था, तो उसके जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है खुर्सीपार में, वहाँ नाम आया था मेरी बहन का कि वहाँ पे आपको सुविधा दी जाएगी, पढ़ाई अच्छे से की जाएगी, पैसा नहीं लगेगा। हमारे घर में खर्चा उठाने वाला कोई है नहीं, इस वजह से वहाँ पे एडमिशन हुआ था। 10th में 83% आया था, इसके बावजूद भी एंट्रेंस एग्जाम लेके इनको निकाल दिया गया, बोलते आपका एडमिशन नहीं हो सकता, दूसरी जगह एडमिशन लो। क्या कहते हैं, किस लिए नहीं होगा? बोलते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर लेके आए हो तो एडमिशन नहीं हो सकता। सर, हमारे यहाँ पे कोई है नहीं खर्चा उठाने वाला, सुविधा मिली थी तो वहाँ से निकाल दिए, कैसे करेंगे? तो जिस तरह से सरकार कोविड के बच्चों को सरकारी दुलार योजना के तहत इसके एडमिशन करवाए थे, खुद वहीं से प्रिंसिपल है वहाँ के फोन करके बोले थे कि बेटा यहाँ पे एडमिशन करा लो, पढ़ाई अच्छी होगी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज बाहरी बच्चों को लेके हम लोग को निकाल दिए। मैं हूँ स्वामी आत्मानंद कॉलेज में खुर्सीपार का स्टूडेंट। हमारे प्रिंसिपल है सुरेश कुमार सर, उन्होंने हमें एंट्रेंस एग्जाम लेकर हमें स्कूल से निकाल दिया गया है, जिसके लिए हमारी प्राथमिकता छीनी गई कि हमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप कम नंबर लाए हो। ये हम उसके लिए यहाँ शिक्षा अधिकारी के पास है अपनी अपील लेके कि हमारी मदद करें। कितना परसेंट आया सर? 83.67। और जो एग्ज़ाम लिया गया आपसे? एग्ज़ाम में सर हमने अटेंड किया मैथ्स के क्वेश्चन और उस आधार पर सर हमें मिलना चाहिए, और सीधी बात हमारा एंट्रेंस एग्जाम लिया ही क्यों जाएगा? हम उस स्कूल के हैं, हमारे ना कम नंबर आया ना कुछ हुआ है, तो हमें क्यों एंट्रेंस देंगे आप? उसके बाद भी हमें निकाला जा रहा है। यहाँ बालाजी नगर खुर्सीपार आत्मानंद स्कूल में चल रहे एंट्रेंस एग्ज़ाम के का बहाना बना कर बच्चों लोगों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। जो बच्चे 10th पास करके 11th में गए हैं, और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि बाहर के बच्चों को एडमिशन लिया जा सके और बाहर के बच्चों को एडमिशन लेके कुछ कमाई किया जा सके। इसलिए इस तरह की एक साजिश है। साजिश इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको लिस्ट दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ बच्चे को 0 नंबर मिला हुआ है साइंस में, और उसको साइंस सब्जेक्ट दे दिया गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 नंबर मिला है एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथ्स में, और उनको मैथ्स दे दिया गया। तो इस तरीके से जो पुराने बच्चे हैं 10वीं पढ़ के 9वीं और 10वीं वहीं पढ़े हैं और आगे बढ़ के 11वीं में गए हैं, उनको निकालने का ये बहाना है। और वहाँ के प्रिंसिपल साहब जो है वो उन बच्चों के पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, और बच्चों लोग की बात कहने का मतलब सुनी नहीं जाती है। वो उनका बिल्कुल मन नहीं है कि हम जो पहले 80% 82% जो बच्चे लाए हैं उनको एडमिशन दे, उनको बाहर के बच्चे चाहिए, उनको टॉपर चाहिए। ऐसा बच्चे लोग का कहना है कि जब वो लोग जाते हैं तो कहते हैं कि उनको टॉपर की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जबकि इन्हीं दो बच्चों को 9वीं और 10वीं में वो प्रिंसिपल साहब के टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, और उनको अपनी ही पढ़ाई पर भरोसा नहीं है। अब ये बाकी प्रिंसिपल साहब जाने की आज यहाँ किस लिए आए हो? ये आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन बच्चों को जो निकाला गया जिस बहाने से, ठीक है, वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको बंद मतलब समाप्त करके खारिज करके इनको पहले एडमिशन दिया जाए, क्योंकि ये पहले से पढ़ रहे हैं, पहला हक इनका बनता है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।